हेलो व्यूअर्स, आज हम बच्चे लोगों की ओबेसिटी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये बच्चे लोग हम दो कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें एक होती है जो जन्म से लेके 8 से 10 साल की उम्र तक, जो उसको हम चिल्ड्रन ओबेसिटी कहते हैं, और वो जो दूसरे जो होते हैं 10 साल से लेके समझो 15-16 साल तक, जहाँ पे उनकी आइदर प्यूबर्टी आ जाती है, इनफ मैच्योर्ड हो जाते हैं, उनको हम एडोलेसेंस ओबेसिटी कहते हैं। अब ये बच्चे लोगों की ओबेसिटी हम ज़्यादातर देख रहे हैं ये शहरों में। गांव के बच्चे में अभी भी ओबेसिटी का इतना प्रभाव है नहीं। तो ये क्यों होता है? प्राइमरीली उसके लिए तीन रीजंस है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जबकि बच्चे लोगों की ओबेसिटी कंसिडर की जाती है। सेकेंडली जो होता है वो उनका जो लाइफस्टाइल, और थर्डली ऐसे होता है कि जो कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जिस वजह से उनको ओबीस होना पड़ता है। अभी हम देख रहे थे जेनेटिक ओबेसिटी मतलब क्या है। जेनेटिक ओबेसिटी, ये फैमिलियल ओबेसिटी भी कहा जाता है, जहाँ पे उनके डीएनए पैटर्न में ही गड़बड़ी है। इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका मतलब है कि ये जो एबनॉर्मल जीन्स है वो आइदर वो नेक्स्ट जनरेशन को जाते हैं या उसके आगे वाले जनरेशन को जाते हैं। मतलब कि समझो ग्रैंड पेरेंट्स ओबीज हो तो उनके पेरेंट्स शायद ओबीज ना भी हो, बट उनके बच्चे ओबीज हो सकते हैं। तो ये जो बीच में वाला जो एक जनरेशन है वो स्किप हो सकता है, 50% चांसेस ऐसे होते हैं। ये एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, कुछ सिंड्रोम्स लाइक बार्डर-बिडल बीबी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, प्राडर-विलाय सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल के उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। अब ये बच्चे जो उनका भूख है वो बहुत ज़्यादा होती है, और भूख लगने से, और दूसरी बात कि उनको ज़्यादा जो भी खाना खाते हैं वो स्पेशली वो कैलोरी डेंस फूड भी वो ज़्यादा मांगते रहते हैं, और जो खाने के बाद वो 100% उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो जाती है उनके फैट्स और एडिपोस टिश्यूज में। अब हमने देखा कि जेनेटिक ओबेसिटी बच्चों में कैसे होती है, क्यों होती है। अब जो भी बच्चा हमारे पास जब भी आता है उनको पूरा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये कौन से एबनॉर्मल जीन्स है। ये पूरी जेनेटिक मैपिंग होती है जो बहुत कम सेंटर्स में या सिर्फ मेट्रोज में जैसे मुंबई दिल्ली वैसे जगहों पे ही होती है। अब जब भी हम इस सब मैपिंग करने के बाद में उनको ट्रीटमेंट क्या किया जाए, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाइए देर इज नो जेनेटिक ट्रीटमेंट, ऐसी कोई है नहीं। सो ये जीन्स एक्चुअली कैसे करते हैं कि वो बच्चे के हॉर्मोन्स पे काम करते हैं, बच्चों के जो भूख के हॉर्मोन्स है उसको बढ़ाते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड खाने के लिए प्रवृत्त करते हैं, और ये पूरे जो हॉर्मोन्स है उसकी भी स्टडी की जाती है, और इसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करें। अब ये हॉर्मोन्स पे काम करने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। बैरियाट्रिक सर्जरी से जिस जगह से जिस इंटेस्टाइन के पार्ट से वो हॉर्मोन्स निकलते हैं उसको हम बाईपास कर देते हैं, नहीं तो निकाल देते हैं, और वो जीन्स का जो इफेक्ट बैड इफेक्ट जो हॉर्मोन्स पे होता है वो ही हम कम कर देते हैं। ये करने के बाद में ये बच्चों की ओबेसिटी कम भी हो सकती है। मेंटेन करने के लिए उनको हम लोगों के साथ उनको फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उनको दोबारा वापस वेट गेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे लोगों की लाइफस्टाइल ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी बच्चा
अकेला ओबीज नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे लोग जो उनका ज्यादा समय आइदर घर में या उनके स्कूल्स में बिताते हैं, वहां पे उनको कैसे एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बच्चे लोगों का डाइट, एक्सरसाइज वगैरह सब निर्भर रहता है। जो बच्चे लोगों के घर में पेरेंट्स भी ओबीज हो, भाई बहन भी ओबीज हो, उनके घर में दूसरा बच्चा भी ओबीज ही होता है, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है। चलो फैमिली में बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पे ओबीजोजेनिक एनवायरनमेंट, मतलब दूसरे जो बच्चे जो खाना खाते हैं वो गलत खाना खा रहे हो, ज़्यादा पेस्ट्री चॉकलेट खा रहे हो, या उनको वेंडिंग मशीन से जंक फूड मिलता हो, तो वहाँ पे बच्चे ओबीज हो सकते हैं। ये प्राइमरीली ये दोनों चीज़ें पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, घर और स्कूल। दूसरी बात जो है, जो बच्चे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन लेते हैं, उनको बहुत कम समय खेलने के लिए मिलता है, ज़्यादा समय उनका स्कूल और ट्यूशंस में चला जाता है, उनको खेलने के लिए समय नहीं मिलता। तीसरी बात, बहुत सारे मेट्रोज में बच्चे लोगों को खेलने के लिए, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए बच्चे बाहर जाके वो एनर्जी जो भी कंज्यूम किए है उसको वो बर्न आउट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे बच्चे लोगों को ओबीज बनाने में। सारे शहरों में पहले जैसे जॉइंट फैमिली स्टेटस होता था, वो अब नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिली स्टेटस है, जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। अब ये दोनों पेरेंट्स भी काम करते हैं, दोनों को उनके काम से बच्चे लोगों के खाने पीने रहने के इस पे कोई टाइम नहीं मिलता, और ऐसे बच्चे फिर वो जंक फूड के लिए, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, फ़ोन कॉल करिए और जंक फूड आ जाता है, ऐसे बच्चे फिर ओबीज बनने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। लीव नाउ, लीव हेल्दी, सिर्फ सुश्रुता के साथ।